देखिए आपको सीधा जयपुर से लाइव ले चलते हैं गणपति बप्पा के पास, जहां पर मोती डूंगरी मंदिर से गणपति बप्पा की शोभा यात्रा निकल रही है। आज नगर भ्रमण पर गणपति बप्पा मोती डूंगरी मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे गणपति बप्पा की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। और देखिए प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मोती डूंगरी मंदिर से। प्रमोद, आज गणपति बप्पा नगर के भ्रमण पर निकल रहे हैं, शोभा यात्रा गणपति बप्पा की निकल रही है, किस तरीके का माहौल आप भक्तों में देख सकते हैं, किस तरीके की एक आस्था का सैलाब वहां पर आज मोती डूंगरी मंदिर में उमड़ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा मोती डूंगरी गणेश मंदिर में यहाँ पर 90 झांकियां पूरी तरह से तैयार है। शाम को 5 बजे जैसे ही उपराष्ट्रपति नरेश धनखड़ जी यहाँ पर आएंगे और महंत जो हैं कैलाश शर्मा जी और आरएसएस के संघ प्रचारक हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, वो आरती करेंगे और उसके बाद पूरे झांकियों को शोभा यात्रा को यहाँ से रवाना करेंगे। और जो ये झांकियाँ हैं, ये शोभा यात्रा हैं, ये मुख्य बाजारों से होते हुए निकलेगी, जिनमें बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, त्रिपोलिया बाजार है, से निकलते हुए वापस जो है गढ़ गणेश मंदिर यहाँ पर पहुंचेगी। इसके इंतजाम फिलहाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 बजे यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी, यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल जन्मोत्सव गणेश जी का मनाया गया था, आज जो शोभा यात्रा निकलेगी, इस दौरान जो गणेश जी है पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और इस दौरान पुलिस के द्वारा भी पुख्ते इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अनहोनी को रोका जा सके, और इसके लिए पुख्ते इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। कल जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब यहां देखने को मिला, ऐसा लगता है कि शोभा यात्रा के अंदर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होने वाली है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और जो मंदिर कमेटी है वो पूरी तरह से तैयार है और यहां पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 90 झांकियां होंगी, 90 में से 30 ऐसी झांकियां होंगी जो स्वचालित होंगी और एकता का, एकजुटता का जो परिचय है वो इन झांकियों को देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी शोभा यात्रा को लेकर जानकारी साझा करें कि किस तरीके से शोभा यात्रा आज निकलने वाली है, क्या शोभा यात्रा का रूट रहेगा, किन किन इलाकों से होकर गणपति बप्पा को जो झांकी है गणपति बप्पा की वो निकाली जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतनी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है तो प्रशासन के क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है, प्रशासन कितना ज़्यादा अलर्ट है, किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर है, शोभा यात्रा को जो भक्त शोभा यात्रा में जो निकलेंगे उनको नियंत्रण में रखने के लिए, भीड़ खासकर की भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जब इतना बड़ा सैलाब मंदिर के अंदर आएगा तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी पुख्ते इंतजाम किए गए। मैं आपको कैमरा पर्सन हरि त्यागी से निवेदन करूंगा कि आपको दिखाएं यहाँ की झलकियां। पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर है, कई तरह के यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि अवैध वाहनों को रोका जा सके, यहाँ पर अंदर वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है वाहनों को, और बिल्कुल यहाँ पर चेक किया जा रहा है डेडिकेशन से कि किसी तरह की कोई अवैधानिक जो गतिविधियां के जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सके। धीरे धीरे जो श्रद्धालु है वो मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो झांकियां हैं वो भी अभी सज रही है, उनका अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है। और जैसे हमें जानकारी मिली है यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति आएंगे उसके बाद सबसे पहले वो जो यहाँ के जो महंत है कैलाश शर्मा जी उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के तुरंत बाद गणेश जी के दर्शन करेंगे और गणेश जी के दर्शन करने के बाद वो झांकियों के अंदर शोभा यात्रा जो है वहां पर आरती की जाएगी और आरती के बाद उसको रवाना करेंगे। इस तरह की जानकारी हमें मिली है और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं और पुलिस आप देख सकते हो सादा वर्दी के अंदर भी यहाँ पर पुलिस है और जो वर्दी है वर्दी के अंदर भी पुलिस है, आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी लगाए गए हैं और कमेटी के द्वारा भी यहाँ पर कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी अवैधानिक गतिविधियों को रोका जा सके। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शोभा यात्रा को यहाँ से रवाना करने के लिए स्थानीय प्रशासन और जो मंदिर कमेटी है वो पूरी तरह से तैयार है। 5 बजे यहाँ से जो है उसको रवाना किया जाएगा शोभा यात्रा को। जी बिल्कुल प्रमोद, देखिए आज देश के उपराष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक वीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि जब इतनी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको
पूरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो सबसे अहम है, और शहर की किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से मोड किया जाएगा और पूरी तरीके से कहां पर किन मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को आज डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जिन जिन मार्गों से होकर जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी तो वहां से वाहनों की लंबी कतारें ना लगे, इसलिए किस तरीके से आज ट्रैफिक व्यवस्था प्लस VIP प्रोटोकॉल को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा? देखिए, VIP जो प्रोटोकॉल है उसको इस तरह से एहतियात के तौर पर उसको कायम किया जाएगा कि किसी आम नागरिक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो बैरिगेट्स है, कल जिस तरह के जो बैरिगेट्स लग रहे थे, रोड जाम थे, वो आज इस तरह के रोड जाम यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो सामने वाला जो रास्ता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से, जो मोती डूंगरी का सामने वाला रास्ता है, यहां पर अभी भी जो वाहन है वो आ और जा रहे हैं, यहां पर किसी तरह की कोई बैरिगेट्स नहीं लगाएंगे। लेकिन मंदिर के अंदर के आने के लिए यहां बैरिगेट्स यहां पर लगाए गए हैं, तो जैसे ही यहां पर धीरे धीरे समय और नजदीक आएगा, 5 बजने के और करीब आएगा, तो यहां पर बैरिगेट्स लगा दिए जाएंगे ताकि वाहनों को रोका जा सके और VIP प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर किया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, हर गतिविधियों को यहां पर नजर रखे हुए हैं। और जो बाजार की अगर हम बात करें तो जो मुख्य बाजार है, यहां से होकर ये जो शोभा यात्रा है वो रवाना होगी और वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आपका कि तमाम जानकारी के लिए।